हेलो दोस्तों, एडू टॉक सीरीज की सेकेंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में मैं आपको बताता हूँ लेटेस्ट एजुकेशनल न्यूज, एग्जाम्स रिलेटेड न्यूज, जॉब वैकेंसी रिलेटेड न्यूज और सभी तरह की एजुकेशनल न्यूज जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप रेगुलर ऐसे अपडेट पाना चाहते हैं ताकि आपका कोई भी खबर छूटे ना जो आपके काम की हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोज लाऊं वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं सीबीएसई की तरफ से आई एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ। और ये अपडेट सीबीएसई के क्लास 11th क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए है और इस अपडेट से क्लास 11th क्लास 12th के स्टूडेंट को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, तो इस बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बहुत बड़ी खबर ये है कि जो 10वीं के छात्र हैं उन्हें बिना एग्जाम के क्लास 11th में प्रमोट कर दिया जाएगा, तो इस बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तीसरी बड़ी खबर है वो है यूपीपीएससी APO प्रीलिम्स के नतीजे घोषित हो चुके, इस बार भी हम जानेंगे कि आप कैसे अपने रिजल्ट चेक कर सकते। और जो चौथी बड़ी खबर है वो आपको पुलिस की वैकेंसी, अगर आप पुलिस बनना चाहते तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते, तो इस बारे में हम जानेंगे कि कैसे आप अप्लाई कर सकते, कब से कब तक अप्लाई करने की डेट होगी। अगली बड़ी खबर है ये भी क्लास 10th के छात्रों के लिए, क्योंकि इस खबर में छात्रों को लॉकडाउन में पढ़ाने के लिए बहुत ही नायाब तरीका निकाला गया, तो इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ी खबर है सबसे पहले उसी से हम शुरुआत करते हैं। सीबीएसई ने क्लास 11th क्लास 12th के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट लिया। जैसा कि आप सभी को तो पता है कि सीबीएसई ने 2020-2021 के सीजन में एक अप्लाइड मैथ का भी सब्जेक्ट लाया था, लेकिन इसके लिए बहुत सारे छात्रों को प्रॉब्लम हो रही थी। उन्हें स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहे थे, उन्हें बुक्स नहीं मिल रहे थे, उन्हें किसी तरीके की हेल्प नहीं मिल रही थी। तो इसे लेके सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा अपडेट लिया। सीबीएसई ने अप्लाइड मैथ के लिए क्लास 11th क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए एक हैंडबुक जारी की है। दोस्तों, अगर आप क्लास 11th में अप्लाइड मैथ लेने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो आप इसे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इसके ऊपर चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर सिलेबस से रिलेटेड एक बहुत ही डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बना दूं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएं। पुलिस बनना चाहते तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि कर्नाटका पुलिस की तरफ से SI के लिए यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी है। ये टोटल जो वैकेंसी है ये 162 है, इसमें और भी तरह की वैकेंसी है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कर्नाटका स्टेट पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि ksp.gov.in है, इस पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो अप्लाई शुरू हो गई है 26 मई से लेकर 26 जून तक के बीच आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो अगर आप पुलिस के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप पुलिस बनना चाहते हैं, तो आप एक बार ज़रूर इसे देख सकते हैं। जो अगली खबर है वो 10वीं क्लास के छात्रों के लिए, लॉकडाउन में 10वीं क्लास के छात्रों को पढ़ाने के लिए बहुत ही नायाब तरीका निकाला गया। अब 10वीं क्लास के छात्रों को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पढ़ाया जाएगा, ऐसा निर्णय लिया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। आंध्र प्रदेश ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में ऐसा आदेश दिया है कि जितने भी स्कूल हैं वो अपने 10वीं क्लास के छात्रों का एक एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और उस ग्रुप में सारे टीचर्स उन्हें होमवर्क देंगे और छात्रों को होमवर्क को कॉपी पे सॉल्व करके उसका फोटो खींच के अपने ग्रुप पे अपलोड करना होगा, यानी कि टीचर को सेंड करना पड़ेगा, उसे देख के टीचर अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। तो इस तरीके से 10वीं के छात्रों की पढ़ाई होगी। दोस्तों, ये तरीका कोई बुरा तो नहीं है, लेकिन इसे लोग कितना सीरियसली लेंगे उसी पे सारा कुछ डिपेंड करता है। यूपी असिस्टेंट टीचर रिजल्ट घोषित हो चुका है, आप अपनी स्क्रीन पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हैं, आप वहाँ पे जाके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जो नेक्स्ट बहुत बड़ा अपडेट है वो भी क्लास 10वीं के छात्रों के लिए, क्योंकि 10वीं क्लास के छात्रों को बिना एग्जाम लिए बिना कॉपी चेक हुए उन्हें क्लास 11th में प्रमोट कर दिया जाएगा, ऐसा निर्णय लिया है पंजाब सरकार ने। क्योंकि लॉकडाउन के कारण लगातार देरी हो रही, इसी को देखते हुए पंजाब सरकार 10वीं के जो भी छात्र हैं उन्हें क्लास 11th में प्रमोट कर देगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसी अपडेट डेली चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, उसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में आपको कुछ पूछना या फिर कुछ आप कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।